बिल्कुल, आज हम बनाते हैं कर्व्स मॉडलिंग का यूज करके एक वाइन ग्लास बनाते हैं। प्रॉपर रियलिस्टिक आपको किस तरीके से बनाना है, तो मेरे पास यहाँ पे रेफरेंसेस हैं। हम इस रेफरेंस का यूज करके जो है एक वाइन ग्लास बनाना है इस टाइप का। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, माया के अंदर इस इमेज को जो है इम्पोर्ट कर सकते हैं ताकि हम इसके ऊपर इजिली ट्रेस करके जो है इसको बना सकें। कैसे इम्पोर्ट करना है, लेट्स सी। आपने माया पे आना है और चलिए, तो हम उस इमेज को जो है रेफरेंस में यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। तो वो कैसे इंपोर्ट करना, वो आपने व्यू मेन्यू के अंदर आएगा और कहाँ इंपोर्ट करना है, फ्रंट सेक्शन के अंदर। तो हम फ्रंट सेक्शन पे जाएंगे, इसको बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ देख रहे, फ्रंट होना चाहिए। फिर आपको व्यू पे जाना है, इमेज पेन पे जाना है और यहाँ से इम्पोर्ट इमेज पर जाना है। तो आप उस रेफरेंस पे आ जाइए और ये आपके पास ये आउटपुट, हमें ये बनाना है इसका रेफरेंस। ओपन कर, यहाँ पे आप देखेंगे इसको जूम इन जूम आउट बेसिकली हो रहा है। पर्सपेक्टिव में अगर इम्पोर्ट करेंगे तो बेसिकली ध्यान रखना वो फिक्स रहेगा, तो आपने पर्सपेक्टिव में नहीं करना है, उसके अलावा आप किसी एंगल पे कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें यहाँ स्टार्ट करना है। तो मैं इसमें यूज करने वाला हूँ क्रिएट के अंदर कर्व टूल के अंदर बेजियर कर्व टूल। ठीक है, ये पेन टूल की तरह काम करते हैं, जैसे फोटोशॉप या कोरल के पेन टूल्स होते हैं। ये लिया और जो है मैं इधर से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्लिक किया यहाँ, जितना जूम करके आप काम करेंगे उतना परफेक्शन के साथ बनेंगे। ये मैं पैनिंग जो कर रहा हूँ, ऑल्ट और माउस का मिड बटन आपको प्रेस करके ड्रैग करना है, तो फिर आप व्यू को पैनिंग कर सकते हो, मीन्स ड्रैग कर सकते हो। जहाँ आपको बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेट चाहिए तो वहाँ पे क्लिक करते जाइए, और जहाँ हमें थोड़ा सा राउंड चाहिए वहाँ हमें क्लिक एंड ड्रैग करना है बेसिकली। अब जैसे यहाँ कर्व चाहिए तो क्लिक एंड ड्रैग, छोड़ना नहीं है। और कुछ मिस्टेक हो तो कंट्रोल जेड से आप अंडू भी कर सकते हैं। तो ये तकरीबन मैंने इसको जो है यहाँ क्लिक कर दिया। ठीक है, बस और फिर एंटर। तो ये हमारा कर्व शेप आ चुका है। अब इमेज को जो है मैं एडजस्ट करता हूँ ताकि हमारा एग्जैक्ट कर्व शेप दिख सके यहाँ पे कैसा आ रहा है। अब आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत इसको क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। वैसे हमें अंदर इसको लेके जाने की जरूरत नहीं है, इतना ही रख लेते हैं। बस कंट्रोल वर्टेक्स पे जाइए ताकि आप इसको मैनेज कर पाओ। तो क्या करना है, राइट क्लिक करना है और कंट्रोल वर्टेक्स पे जाना है। उसको थोड़ा सा और पतला, काफी मोटा हो जाएगा इतना, लगभग ठीक है। ये ठीक है यहाँ से, बाकी फ्लो लगभग लगभग ऑलमोस्ट ठीक है। चलिए, तो ये हमारा फ्लो आ गया। अब ऑब्जेक्ट मोड से आप बाहर आ जाइए और अब क्या करना है, इनो इस पर आपने डालना है रिमूव। तो यहाँ पे जाना है आपने सरफेस के अंदर और यहाँ से रिवॉल्व आपने अप्लाई कर देना है। तो आप देखेंगे ये एज इट इज हमारा वाइन ग्लास बन के आ चुका है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि डार्क आ रहा है। ठीक है, क्योंकि इसमें सिंगल लाइट्स होती है। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं बाहर आपको बिल्कुल एग्जैक्ट दिखे तो आपने इसके लिए कर्व्स पे आना है और यहाँ से कर देना रिवर्स डायरेक्शन। जो ब्लैक वाला पोर्शन है वो अंदर चला जाएगा और जो लाइट वाला था वो बाहर आएगा। अब आप पर्सपेक्टिव में जाएंगे तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आपका ग्लास के अंदर तैयार है, बिल्कुल परफेक्शन के साथ। ठीक है, और दूसरी चीज, अगर आप चाहते हैं अंदर भी वो प्रॉपर कलर दिखे, शेड दिखे, तो क्या करना है, लाइट्स पे जाना है और टू साइड लाइट पे क्लिक कर देना है। तो क्या होगा, अंदर से भी आपको बिल्कुल परफेक्शन के साथ दिखेगा इस तरीके से। ठीक है, तो इसका काम खत्म, तो इसको डिलीट कर देना। अब मुझे इस पर बिल्कुल प्रॉपर एक वाइन का वो भी देना, टेक्सचर भी देना है, तो मैं इसको हटाता हूँ। मतलब तो इसको अभी आप क्या हो रहा है कि अगर मैं इसको कुछ भी एडजस्टमेंट करता हूँ तो इसमें भी चेंज हो रहा है। हम चाहते हैं कि इसका ब्रेक हो जाए, दोनों का ब्रेकअप हो जाए, तो क्या करना है, सेलेक्ट करना है शेप को, एडिट पे जाना है,
डिलीट बाय टाइप पे और हिस्ट्री कर देते हैं, तो इसकी जो हिस्ट्री है वो डिलीट हो जाएगी। यानी अब हुआ क्या, ये जो है शेप अलग हो गया है, अब यहाँ इसको कोई लेना देना नहीं, इसको डिलीट कर दीजिए। ठीक है, अब नीचे मैं एक फ्लोर प्लेन बना रहा हूँ, तो यहाँ से ये लिया और ये हमने बना दिया इसको बड़ा। ठीक है, अब मुझे इस पे वाइन ग्लास का इफेक्ट देना है और इसमें कोई मटेरियल डालना है, तो इस पे मटेरियल डालने के लिए राइट क्लिक, असाइन न्यू मटेरियल, इसमें मैं रफ डाल रहा हूँ, कोई लैम्बर्ट ले लिया और कोई एक मटेरियल टेक्सचर डाल दिया इसमें। तो हम चलते हैं फाइल्स के अंदर, और फिर यहाँ से इमेज का आ जाएगा, उसको लोड कर लो आप। तो इमेज जो है मेरे पास जिस पीसी के अंदर हमारे जहाँ पे भी आपने टेक्सचर्स रखे हैं वहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देख लेते हैं कोई, इसमें तो नहीं है, चलो तो ये मैंने मटेरियल ले लिया और यहाँ पे इसका आउटपुट शो हो तो उसके लिए आपको 6 प्रेस करना है। ठीक है, अभी क्या हुआ कि यहाँ पे जो मटेरियल है काफी स्ट्रेचेबल लग रहा है। ठीक है, तो इसको सेट करने के लिए आपने क्या करना है, प्लेस 2D टेक्सचर पे आना है यहाँ पे। अगर ये सेक्शन नहीं खुलता है तो आपने यहाँ एट्रीब्यूट्स पे जाना है, एट्रीब्यूट यहाँ से खुलेगा आपका, जिस उस पर क्लिक करेंगे एट्रीब्यूट्स आ जाएगा, आपने यहाँ पे प्लेस होल्डर पे जाना और फिर यहाँ से इसके टाइल्स आपको बढ़ा देंगे, क्या स्क्रॉल करके रिपीट टाइल्स यहाँ बढ़ा देंगे आप। तो ये मैंने 8x8 ले लिया। ठीक है, इस तरीके से आ गया है, और रूबी में अगर हम लेते हैं इसमें 15, तो ये छोटा हो गया पर ठीक है, इसमें यहाँ कम रखो ये वाला 2। ठीक है, इस तरीके से ले। ठीक है, अच्छा अब इस पे हमें क्या करना है, ग्लास टेक्सचर डालना है। तो क्या करोगे, राइट क्लिक करके असाइन न्यू मटेरियल्स। ठीक है, इस वाले पे हम यूज करेंगे हमारे पास यहाँ पे उसके आर्नोल्ड्स वाले हम बेसिकली यूज करने वाले हैं। तो आर्नोल्ड्स के लिए आपको क्या करना है, आर्नोल्ड्स वाले मटेरियल पे आना है। बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, नॉर्मल शेडर होते हैं, तो मैं आर्नोल्ड्स पे जा रहा हूँ और यहाँ से हम यूज करेंगे AI स्टैंडर्ड सरफेस वाले। ठीक है, ये एडवांस मटेरियल्स होते हैं और यहाँ पे इसके प्रीसेट्स आएंगे, प्रीसेट्स पे जाओ तो आपको कैसा बैलून ब्लर बबल्स कैसा आपको इफेक्ट देना वो आप ले सकते हैं यहाँ पे। तो मुझे इस पे ग्लास इफेक्ट देना है तो हम यहाँ से ग्लास पे चलते हैं, ग्लास का है और आप देख लो कोई और इसके अलावा हो, फोम है, मिल्क, ऑरेंज, प्लास्टिक। ठीक है, तो हम ग्लास ही लेते हैं, ग्लास ग्लास लिया और यहाँ से रिप्लेस कर देंगे, तो 100% वो क्या हो जाएगा, ग्लास हो जाएगा। अब हमें इस पे क्या करना है, वीरी की लाइट, आर्नोल्ड की लाइट भी यूज करनी है, तो आर्नोल्ड पे चलेंगे, यहाँ लाइट्स पे जाएंगे और यहाँ पे फिलहाल मैं ले रहा हूँ आर्नोल्ड साइड के अंदर फिजिकल, या एक स्काईडोम लाइट ले लेते हैं। ठीक है, स्काईडोम लाइट आ गया है, अब एक बार इसको रेंडर करके चेक करो कैसा विजिबल हो रहा है। तो यहाँ से आपने रेंडर या करंट फ्रेम पे जाना है और चेक कीजिए कैसा आउटपुट आ रहा है। तो स्काईडोम में जो है अच्छा नहीं आ रहा, हम दूसरा मटेरियल यूज। ठीक है, तो अब हम इस पे क्या कर रहे हैं, आर्नोल्ड पे चलते हैं, लाइट्स पे, और मैं फिजिकल स्काई लाइट यूज कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, और अब एक बार आप चेक कीजिए एंटर, इससे फिर भी थोड़ा सा बेटर आ रहा है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से इसका आउटपुट आ रहा है। अब इस पे क्या हो रहा है, इस पे रिफ्लेक्शंस भी है, जैसे यहाँ पे ग्रे है, पीछे ब्लू है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसका रिफ्लेक्शन आ रहा है। ठीक है,